हे फ्रेंड, एएन प्रकाश कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ये तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे तुम्हारा जो एम्प्लॉय काम करता है अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 201 से तुम्हारा 500 एम्प्लॉय यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ये तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। और एक चीज़ बात है, यहाँ पे जो हेड क्वार्टर है तुम्हारा बेंगलोर कर्नाटका में, और ये तुम्हारा फाउंडेड हुआ था तुम्हारा 1986 में, ओके। जहाँ पे तुम्हारा जो इन लोगों का जो स्पेशलाइजेशन होता है, जो काम होता है बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो होता है वो यहाँ वो बेसिकली ये है। और उसके साथ तुम्हारा इन लोग प्लानिंग करता है, क्वालिटी एंड सेफ्टी भी इन लोगों काम होता है। और यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली जो इन लोगों का जो होता है मेन बेसिकली जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है इन लोगों का, ओके। तो यहाँ से ही तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा अर्जेंट इन लोग हायरिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा है पहला बात है यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल, यस। देन तुम्हारा बीटेक यहाँ पे एलिजिबल और एमटेक होगा, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा बीटेक एंड एमटेक, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और चीज़ बात है यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी टू से दैट एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। और यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है उसके बारे में भी बता देती हूँ, यहाँ पे सिविल, देन तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, देन तुम्हारा मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल है। जहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, इन लोगों का इमीडिएट हायरिंग हो रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम जो बोल रहा है इमीडिएटली और बिलो 10 डेज, ठीक है, इमीडिएटली ज्वाइन हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा 10 डेज के अंदर इन लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ओके। तो इन लोगों का अर्जेंट हायरिंग है, तो थोड़ा सा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ बात है यहाँ पे जो तुम्हारा पोजीशंस जो है यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर, देन तुम्हारे सेफ्टी ऑफिसर्स, तीनों पोजीशंस के लिए तुम्हारे यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं, ठीक है। पहला जो पोजीशंस है तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, पहला जो पोजीशंस है तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर, सेकंड तुम्हारा है प्रोजेक्ट इंजीनियर, एंड थर्ड जो है तुम्हारा सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, मैं नया बनाई हूँ, जहाँ पे जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, दैट्स मीन सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकॉन है यहाँ पे जाके क्लिक करके, यहाँ पे जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सारे नोटिफिकेशंस तुमको दिखाई देगा, जितने सारे मैं वीडियो अपलोडेड करेंगे सारे नोटिफिकेशंस तुमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे मैं वैकेंसीज ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अपने हिसाब से जाके देख सकते हो। और यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके क्लिक करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर जॉब, प्राइवेट जॉब वैकेंसीज एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके। यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वी आर हायरिंग करके, यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा कुछ डेजिग्नेशंस के लिए इन लोग वैकेंसीज निकल के रखा है, जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सिविल मांगा है, जहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसोर्ट एंड होटल प्रोजेक्ट, देन तुम्हारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो बोला है डिप्लोमा बीटेक एमटेक यहाँ पे अप्लाई कर सकते, बट तुम्हारा ब्रांच जो होगा सिविल। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो बोला है 15-18 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, फॉर दिस वैकेंसीज के लिए प्रोजेक्ट, फॉर द पोजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस मांगा है 15-18 ईयर्स। देन तुम्हारा यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी है, जहाँ पे तुम्हारा QS एंड प्लानिंग में तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए MSP के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन जो मांगा है डिप्लोमा बीटेक और एमटेक्स इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना ईयर्स वो नहीं मेंशन किए है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। थर्ड जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा सिविल है, यहाँ पे 4 पोजीशंस और नंबर जैसा, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, और जहाँ पे तुम्हारा सेम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसोर्ट एंड होटल प्रोजेक्ट में, क्वालिफिकेशंस बोला है यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक और एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, यहाँ पे अप्लाई कर सकते, बट यहाँ पे कितने एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है।
देन तुम्हारा फोर्थ में जो आ रहा है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच अप्लाई कर सकते, डिप्लोमा होगा भी कर सकते, बीटेक होगा भी कर सकते, एमटेक होगा भी कर सकते, ओके। बट यहाँ पे तुम्हारा टू पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है, बट तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसोर्ट एंड होटल प्रोजेक्ट के बारे में। देन तुम्हारा नेक्स्ट जो है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो पोजीशंस है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो है, जहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मांगा है, यहाँ पे कितने ईयर्स एक्सपीरियंस वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। फिफ्थ में देख सकते हो, फिफ्थ में तुम्हारा सेफ्टी ऑफिसर के लिए है, जहाँ पे टू वैकेंसीज निकल के, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज टू है, जहाँ पे लोकेशंस भी मेंशन किए। बट यहाँ पे तुम्हारा मतलब सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जॉइनिंग टाइम जो बोल रहे हैं, इमीडिएटली बोल रहे हैं 10 डेज के अंदर तुम्हारा ज्वाइनिंग हो सकता है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं, जिन लोग इंटरेस्टेड है उन लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए CV भेजना पड़ेगा, करियर CAREER@ANPCPMC.com, ओके। दिस मेल आईडी में तुमको CV भेजना पड़ेगा। CV में ऑब्वियसली तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल है, प्रोजेक्ट इंजीनियर QS एंड प्लानिंग, देन तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, ठीक है, देन तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर MEP, तो किसके लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट लाइन में ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा। और इसके साथ एक गूगल फॉर्म है, उसको भी फिल करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा दूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा गूगल फॉर्म है, जहाँ पे कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशंस, देन तुम्हारा एक्सपीरियंस, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सपोज जिन लोग 1 ईयर्स कंप्लीटेड नहीं है, उन लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो 0 ईयर, ओके, कितना मंथ, सपोज किसी का 5 मंथ्स, किसी का 6 मंथ, तो 0 ईयर 6 मंथ ऐसा करके भी टाइप कर सकते हो, ओके। देन तुम्हारा अप्लाइड पोजीशंस, कौन सा पोजीशंस के लिए है, मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस है, जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल, प्रोजेक्ट इंजीनियर QS एंड प्लानिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर MEP, तो किसके लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन तुम्हारा करेंट सैलरी कितना, कंपनी में कितना तुम्हारा करेंट सैलरी मिल रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी कितना हो सकता है, मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। करंट लोकेशंस मेंशन करना पड़ेगा, ओके। उसके साथ तुम्हारा स्पेसिफाई द जॉब अप्लाइड लोकेशंस भी मेंशन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे जॉइनिंग जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम से तुम मतलब करना चाहते हो, क्योंकि इन लोग बोल रहे तो 10 डेज के अंदर, ठीक है, 10 डेज के अंदर यहाँ पे जॉइनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो 7, 15, 30, 45, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 10 डेज के अंदर बोल रहे तो 7 डेज कर देना, ठीक है, उसके बाद अपना चॉइस है, तुम लोग अपना चॉइस में कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा डिसीजन है 7 डेज के अंदर कर देना, क्योंकि 15 डेज हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन लोग बोल रहे हैं इमीडिएटली और बिलो 10 डेज के अंदर जॉइनिंग टाइम बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे तुम्हारा सॉफ्टवेयर का नॉलेज क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे ऑटोकैड, MSP, रेबिट, देन MS Office, तो किसके बारे में तुम्हारा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। विलिंग टू रिलोकेट, कौन सा रिलोकेट, विलिंग टू रिलोकेट, यहाँ पे येस और नो, ठीक है। देन तुम्हारा सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, तुम्हारा गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद उन लोग तुमको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा ही है, आई होप मैं सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।